चैनल में स्वागत है। लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 1890 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1931 में हुई। जन्म स्थान था अतरसुइया, इलाहाबाद। अभ्युदय के ये सहायक संपादक रहे हैं। धर्म की आड़, पाठ प्रवेश। वास्तव में धर्म प्रेम का पाठ पढ़ाता है, इंसान से इंसान को जोड़ता है। धर्म तोड़ता ना ही नफरत फैलाता है। जो लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं वे धर्म के मूल तत्व को नहीं जानते। हमें परस्पर प्रेम भाव का वातावरण बनाना चाहिए। सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो। जब प्रकृति, सूरज, चांद, नदियाँ, जल सभी धर्म के लोगों के लिए है तो अल्लाह, ईश्वर, जीजस, वाहेगुरु कैसे अलग हो गए? यदि हिंदू किसी मस्जिद में जाकर प्रार्थना करे तो क्या अल्लाह उसकी पुकार नहीं सुनेगा? मुस्लिम की प्रार्थना क्या मंदिर का ईश्वर नहीं सुनेगा? जब प्रकृति एक है तो हम धर्मों के नाम पर अलग अलग क्यों हो जाते हैं? सभी धर्मों का सार है, परमात्मा एक था, एक है और एक ही रहेगा। इस पाठ में लेखक ने धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने वालों पर कटाक्ष करते हुए इस कटु सत्य को अनावृत किया है। विद्यार्थी जी ऐसे लोगों की कुटिल चालों और उनके नापाक इरादों को बेनकाब करते हैं जो धर्म की आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उनके इस कृत्य से देश और समाज का पर क्या कुप्रभाव पड़ता है यह भी इस पाठ से बखूबी स्पष्ट हो जाता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि केवल हमारे देश में ही नहीं वरन अन्य देशों में भी धर्म के नाम पर कुकर्म रहते हैं। ऐसे लोगों के इन कृत्यों से प्रभावित व्यक्ति, वर्ग और समाज का विवरण भी इस पाठ में मिलता है। आइए करें पाठ का सार। धर्म की आड़ नामक इस पाठ में लेखक ने धर्म की आड़ लेकर स्वार्थ सिद्धि करने वालों को बेनकाब किया है। लेखक कहते हैं कि देश में इस समय धर्म की धूम है। धर्म और ईमान के नाम पर जमकर उत्पात हो रहा है। बुद्धू मियाँ और रमुआ पासी जैसे काल्पनिक पात्रों के उदाहरण द्वारा आम जनमानस की बुद्धि पर मार और उसका अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग जैसे ज्वलंत विषय को लेखक ने प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। देश के सभी शहरों की यही दशा है। आम आदमी बिना कुछ जाने समझे उन स्वार्थी लोगों के संकेतों पर उत्पात मचाने लगता है। आम आदमी धर्म के तत्वों से अनजान होता है। उसे इतना भर पता होता है कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देना चाहिए। इसका लाभ उठाकर कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी तत्व करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। पाश्चात्य देशों में उत्पन्न साम्यवाद धनी एवं गरीब वर्ग के संघर्ष की ही परिणति थी। हमारे देश में ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ धर्म एवं ईमान का भीषण व्यापार किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए अदम्य साहस के साथ दृढ़तापूर्वक प्रयास करने होंगे, अन्यथा भारतवर्ष में होने वाले ऐसे संघर्ष बढ़ते ही चले जाएंगे। लेखक के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह धर्म की उपासना अपने ढंग से करे। धर्म और ईमान आत्मा को ऊंचा उठाने तथा मन की शुद्धि का साधन होना चाहिए। उससे किसी की स्वाधीनता को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में परस्पर टकराहट की भावना राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधक है। ऐसा करना देश की स्वाधीनता के साथ खिलवाड़ करना है।
लेखक ने स्वतंत्रता संग्राम के उन दिनों को सबसे बुरा माना जिस दिन विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों को स्वाधीनता के क्षेत्र में स्थान देना आवश्यक समझा गया। महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं। सार धर्म का तात्पर्य उच्च विचारों से है। इस प्रकार अजान देने, नाक दबाने, शंख बजाने का नाम धर्म नहीं, शुद्ध आचरण और सदाचार ही सच्चा धर्म है। लेखक के अनुसार पांचों वक्त की नमाज पढ़ने और 2 घंटे बैठकर पूजा करने के पश्चात दिन भर बेईमानी करने की छूट नहीं मिल सकती। हमें अपने आचरण में सुधार पर बल देना होगा। लेखक ऐसे धार्मिक व्यक्तियों की अपेक्षा उन नास्तिकों को अधिक अच्छा और उच्च मानते हैं जिनका आचरण उत्तम है, जो दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं तथा जिन्हें धर्म के नाम पर उत्पात मचाना गलत लगता है। ईश्वर भी ऐसे ही लोगों से प्यार करता है जो मानवता को ही अपना धर्म समझते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह मनुष्यता को त्याग कर मनुष्यता को अपने जीवन में स्थान दे। आइए धर्म की आड़ के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करें। इस समय किसकी धूम है? शांति की, अहिंसा की, धर्म की, अधर्म की? तो इसका सही उत्तर है धर्म की। धर्म और ईमान के नाम पर क्या हो जाता है? उत्पात, हवन, दान, व्रत? तो इसका सही उत्तर है उत्पात। किसके नाम पर लोग जान देने और लेने को तैयार हो जाते हैं? धर्म और अधर्म, धर्म और अहिंसा, धर्म और ईमान, ईमान और बेईमानी? तो इसका सही उत्तर है धर्म और ईमान। धर्म और ईमान के नाम पर कौन कौन जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं? रमुआ चाची और बुद्धू मियाँ, मछुआ और बुद्धू मियाँ, रमुआ और रुल्दू मियाँ, रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ? तो इसका सही उत्तर है रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? यशपाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, शरद जोशी, स्वामी आनंद? तो इसका सही उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी। धर्म की दुहाई कौन देता है? बुद्धिमान, मूर्ख, चतुर, बलवान? तो इसका सही उत्तर है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी देकर किसका आसन मजबूत करते हैं? धूर्त आदमी का, ईमानदार आदमी का, सच्चे आदमी का, इंसान के पुजारी का? तो इसका सही उत्तर है धूर्त आदमी का। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले व्यापार को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता है? साहस और बेईमानी की, आलस्य और कमजोरी की, साहस और दृढ़ता की, झगड़े और दृढ़ता की? तो इसका सही उत्तर है साहस और दृढ़ता की। दिन प्रतिदिन झगड़े कहाँ बढ़ते जाएंगे? नगरों में, भारतवर्ष में, गांवों में, विदेशों में? तो इसका सही उत्तर है भारतवर्ष में। यह पंक्तियां कौन से पाठ से ली गई हैं? कीचड़ का काव्य, शुक्र तारे के समान, दुख का अधिकार, धर्म की आड़? तो इसका सही उत्तर है धर्म की आड़। धर्म को उच्च स्थान कौन देते थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी धर्म के बिना क्या नहीं करते थे? लड़ाई नहीं करते थे, एक पग भी नहीं उठाते थे, अखबार नहीं उठाते थे, खाना नहीं खाते थे? तो इसका सही उत्तर है एक पग भी नहीं उठाते थे। महात्मा जी के अनुसार धर्म का स्वरूप क्या है? दिखावा, दूसरों को तंग करना, धर्म और उदार तत्वों का होता है धर्म के नाम पर उत्पात। तो इसका धर्म का सही स्वरूप है धर्म उदार तत्वों का होता है। गांधी जी के बताए किस मार्ग पर चलना चाहिए? धर्म के, असत्य के, हिंसा के, आज्ञा के? तो इसका सही उत्तर है धर्म के।
धर्म के सच्चे स्वरूप में से किसे ऐतराज हो सकता है? सच्चे व्यक्ति को, उपद्रवी व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, हिंसक व्यक्ति को? तो इसका सही उत्तर है उपद्रवी व्यक्ति को। ऐसे धार्मिक और दीनदार व्यक्तियों में से कौन अच्छा है? नास्तिक, आस्तिक, उपद्रवी, बेईमान? तो इसका सही उत्तर है नास्तिक। नास्तिक व्यक्ति दूसरों के लिए क्या करते हैं? उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उन्हें उत्पात के लिए उकसाते हैं। तो इसका सही उत्तर है उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं। नास्तिक व्यक्ति मूर्खों को किसके लिए नहीं उकसाते? खाने के लिए, पीने के लिए, धर्म के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए? तो इसका सही उत्तर है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। स्वार्थ से दूर रहने वाले व्यक्तियों को कौन अधिक प्यार करता है? समाज, परिवार, ईश्वर, धर्म प्रेमी? तो इसका सही उत्तर है ईश्वर। ला मजहब से क्या तात्पर्य है? अंधविश्वासी, धर्मांध, नास्तिक, आस्तिक? तो इसका सही उत्तर है नास्तिक। धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? उत्पात हो रहा है, लोग जान लेने को तैयार रहते हैं, धर्म के नाम पर जिद की जाती है, उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो अंत में हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है, श्रेष्ठ कौन है, मर्यादा या धर्म? तो इसका सही उत्तर है मर्यादा पूर्ण धर्म।